छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले कल पिछले टर्म पर हमने जो है संवर्ग एवं वर्ग के बारे में चर्चा किया था, तथा जो है वर्ग की क्रमबद्धता के बारे में आप जो है वर्गीकरण इकाई के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने बताया था वर्गीकरण के लिए जो है 7 संवर्गों का जो होता प्रयोग किया जाता है या 7 इकाइयों का जो है प्रयोग किया जाता है, उसको हमने डिटेल से आपको बताया था। आज हम चल रहे हैं व्यूह के नामकरण, जो है व्यूह के नामकरण नामक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक के बारे में चर्चा करने। तो आइए पहले चलते हैं नामकरण क्या है। नामकरण क्लेचर क्या है? तो आप लोग भी जब पैदा होते हैं, तमाम पंडितों ने को बुला कर कार्यक्रम कराते हैं और नाम रखवाया जाता है। नाम रखने की विधि को नामकरण कहते हैं। कहने मतलब जो है जीवों के ऐसे नाम या जीवों का ऐसा नाम जिसे अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों के वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग किया जा सके, ऐसे नाम के प्रदान करने की विधि को या रखने की विधि को नामकरण कहते हैं। यहां लिख सकते हैं आप जो है जीवों के ऐसे नाम, जीवों के ऐसे नाम जिसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों के वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग किया जा सके के प्रदान या रखने की विधि को जो है नामकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? नामकरण कहते हैं जीवों के ऐसे नाम जिसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों के वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग किया जा सके के प्रदान करने या रखने या ऐसे नाम की रखने या प्रदान करने की विधि को क्या कहते हैं? नामकरण कहते हैं। अब आइए जो है जीव नाम क्या है? जीव नाम ऑर्गेनिक ने, तो ध्यान दीजिएगा जीव नाम क्या है। ध्यान दीजिए, जब किसी जीव की सर्वप्रथम जो है जीव की सर्वप्रथम खोज होती है तो उसके स्थानीय नाम के
अतिरिक्त एक ऐसे नाम की आवश्यकता होती है, एक ऐसे नाम की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है जिसे विश्व के सभी वैज्ञानिक प्रयोग कर सके, प्रयोग कर सके, ऐसे नाम को जो है, ऐसे नाम को जीव नाम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव नाम कहते हैं। जैसे आप लोग पैदा होते हैं, जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो एक घर में बुलाने की वक्त चिंटू मिंटू बबलू टिंकू गुरहू निरहू गुरहू कसवारे नाम लगते हैं लोग, लेकिन लिखने पढ़ने के बाद भाषा में किसी का फला सिंह फला कुमार फला इस तरह से नाम जो है रखा जाता है। इसी प्रकार जब किसी जीव की जो है सर्वप्रथम खोज होती है उसके स्थानीय नाम के अतिरिक्त एक ऐसे नाम की आवश्यकता होती है जिसे विश्व के सभी वैज्ञानिक प्रयोग कर सकें, ऐसे नाम को जीव नाम कहते हैं। इस प्रकार नाम दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक आप जान लीजिए स्थानीय नाम, स्थानीय नाम यानी लोकल भाषा में जिसको कहा जाता है, लोकल नेम क्या होता है जिसको हम लोग वही बबलू चिंटू मिंटू सब लोग जो बुलाते हैं तो उसको जो है वो स्थानीय नाम कहलाता है। और जो है दूसरा जो है वैज्ञानिक नाम, दूसरा जो है वैज्ञानिक नाम होता है साइंटिफिक नेम। क्या होता है? साइंटिफिक नेम। इस प्रकार से जो है जीवों के दो नाम होते हैं, स्थानीय नाम और जो है वैज्ञानिक। आइए हम चलते हैं जीवों के नामकरण के लिए जो है दो पद्धतियां दी गई हैं। आप लोग हाई स्कूल में भी पढ़ चुके होंगे, एक पद्धत आप पढ़ चुके होंगे, एक पद्धत नहीं पढ़े होंगे। तो जीवों के नामकरण की जो है दो पद्धतियां दी गई हैं। दूसरा जो है प्रथम को कहते हैं नामकरण की जो है द्विनाम पद्धति, नामकरण की द्विनाम पद्धति इसको कहते हैं बाइनामियल, बाइनामियल सिस्टम ऑफ नामेन, नामेन क्रिएशन। दूसरा जो है नामकरण की, नामकरण की त्रिनाम पद्धति, नामकरण की त्रिनाम पद्धति ट्राइनामियल, ट्राइनामियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इस प्रकार से जीवों के नामकरण के संबंध में दो पद्धतियों का विकास किया गया है या विकास हुआ है, जिसमें फर्स्ट जो है नामकरण की द्विनाम पद्धति या बाइनामिक सिस्टम कहते हैं, और दूसरे को जो है नामकरण की त्रिनाम पद्धति या जो है ट्राइनामिक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कहते हैं।
ध्यान दीजिएगा। अब आए हम चलते हैं जो है नामकरण की द्विनाम पद्धति के बारे में चर्चा करने। ये पद्धति क्या है? ध्यान दीजिएगा, इस पद्धति का आविष्कार जो है आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक, स्वीडन एक देश है, स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने किया। कैरोलस लीनियस ने 1753 में किया। और इस पद्धति के अनुसार जो है जिसका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी, इनकी पुस्तक में बता चुका हूं, सिस्टमा नेचुरी, सिस्टमा नेचुरी में 1758 में किया। ध्यान दीजिएगा, इस पद्धति के अनुसार जो है किसी भी जीव के नाम को जो है दो नामों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मेंढक का अगर आप नाम लिखना है तो मेंढक आप जानते हैं, इसको लिखा जाता है राणा टिगरीना। क्या लिखा जाता है? दो नाम से राणा टिगरीना। इसी प्रकार जो है मानव मनुष्य का नाम जो होता है होमो सैपियंस लिखा जाता है। और दो नाम तो जब काफी है, बाकी आप लिख सकते हैं। तो अब इसमें दो नाम कौन कौन से होते हैं? इस पद्धति के अनुसार दो नाम कौन कौन से होते हैं? प्रथम नाम को जो होता है प्रजातीय नाम कहा जाता है। कौन सा नाम? प्रजातीय नाम या जेनेरिक नेम है। क्या है? जेनेरिक। ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है किसी भी जीव का प्रथम नाम होता है। क्या होता है? प्रथम नाम होता है जो उसके वंश को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? उसके वंश को प्रदर्शित करता है।
प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिए, इसे जो है इसके प्रथम अक्षर को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखा जाता है। बड़े अक्षर से लिखा जाता है। अब आइए दूसरा जो है, दूसरा नाम को जो है जातीय नाम कहते हैं, स्पेसिफिक नाम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक नाम। ध्यान दीजिए, ये नाम जो होता है किसी, यहां भी बड़ा है, किसी भी जीव का दूसरा नाम, किसी भी जीव का दूसरा नाम होता है जो उसके जाति को प्रदर्शित करता है। उसके जाति को प्रदर्शित करता है। इसे जो है अंग्रेजी के छोटे छोटे यों तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। अक्षरों में लिखा जाता है। अब आइए ध्यान एग्जाम्पल नाम देखिए। जैसे ये जो है राणा के मेढक का दो नाम है, राणा और तिगीना। ध्यान दीजिए, इसमें राणा जो है ये प्रजाति नाम है, प्रथम नाम है। क्या है? प्रथम नाम है जो मेढक के वंश को प्रदर्शित करता है। और उसके प्रथम अक्षर देखिए किससे लिखा, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखा गया है। इसी प्रकार जो है दूसरा नाम तिगीना है, ये जाति नाम है। मेढक का क्या नाम है? जाति अर्थात तिगीना, मेढक का, मेढक की जात। और इसे क्या लिखा गया, इसके वो इसे संपूर्ण जो है अंग्रेजी के तेजे जो छोटे अक्षरों से जो होता है मेरे जो है लिखा जाता है। तो इस प्रकार से दो नाम पद्धति के अनुसार जो होता है जीवों के नाम को दो नामों से जो है लिखा जाता है। फिर से आइए, दो नाम पद्धति या इस पद्धति का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक कार्लस लिनियस ने 1753 में किया, जिसका वर्णन अपनी पुस्तक जो है सिस्टम ऑफ नेचुरिंग के दसवें संस्करण में 1758 में किया। इस पद्धति के अनुसार किसी भी जीव के नाम को जो है दो नामों के द्वारा जो होता व्यक्त किया जाता है, जैसे मेढक राणा तिगीना, मानव होमो सैपियंस, कावा पोरवस स्प्लेंडस। इस प्रकार से दो नामों के द्वारा जो होता व्यक्त किया जाता है। दोनों नामों में एक नाम जो प्रथम नाम प्रजाति नाम होता है, जो ये वंश का जीव का प्रथम नाम होता है और जीव के वंश को प्रदर्शित करता है। हमने बताया इसके प्रथम अक्षर को जो है अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखा गया, जैसे राणा का प्रथम अक्षर बड़ा लिखा गया है। इसी प्रकार जाति नाम जो होता है किसी भी जीव का दूसरा नाम होता है जो उसके जात को प्रदर्शित करता है, इसे अंग्रेजी के छोटे जो तिरछे अक्षरों से जो है लिखा जाता है। जैसे इसमें मेढक बताया तिगीना, तिगीना उसकी जात है, दूसरा नाम है, इसे अंग्रेजी छोटे जो तिरछे अक्षरों में जो है लिखा जाता है। दूसरे पद्धत है त्रिनाम पद्धत, नामकरण की त्रिनाम पद्धत। यहां
तीन अंक का बना देते हैं और यहाँ ट्राई नामेल जोड़ देते हैं। ट्राई नामेल सिस्टम हो गया तो नामकरण की तीन अंक बताइए। ध्यान दीजिएगा द्विनाम पद्धति के बाद जो है आविष्कार के बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि जो है एक ही जात के जो सदस्य होते हैं वो अलग अलग वातावरण में रहते हैं तो अलग अलग वातावरण में रहने से उनमें कुछ अंतर आ जाते हैं। क्या आते हैं? अंतर आ जाते हैं। तो उस समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने जो है उस भिन्नता के आधार पर जीव के जात को उपजात में विभक्त कर दिया और जो है जात के आगे उपजात के नाम को जोड़ दिया। इस प्रकार से जीव का नाम तीन नामों के द्वारा हो गया जिसे हम त्रिनाम पद्धति कहते हैं। आइए द्विनाम पद्धति के आविष्कार के बाद वैज्ञानिकों ने यह देखा कि अलग अलग वातावरण में रहने से एक जाति के सदस्यों में भिन्नता आ जाती है। क्या आ जाती है? भिन्नता आ जाती है। वैज्ञानिकों ने इस समस्या के समाधान के लिए भिन्नता के आधार पर जाति को उपजात में विभक्त कर दिया तथा उपजात के नाम को जाति के नाम के आगे जोड़ दिया। जिससे जीवों का नाम तीन नामों का हो गया। क्योंकि इसमें जीवों के नाम को तीन नामों के द्वारा व्यक्त किया जाता है इसीलिए इसे त्रिनाम पद्धति कहते हैं। त्रिनाम
पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिनाम पद्धति कहते हैं। इस प्रकार त्रिनाम पद्धति जो है त्रिनाम पद्धति जीवों के नामकरण की वह है पद्धति है, वो पद्धति है जिसके द्वारा जीवों के नाम को तीन नामों के द्वारा जीवों के नाम को तीन नामों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे जो है कौवा कौवा का वैज्ञानिक नाम क्या नाम है? ओर्वस स्प्लेंडस। ओर्वस स्प्लेंडस का इसका कौवे का वैज्ञानिक नाम है क्या है? ओर्वस स्प्लेंडस। लेकिन भारत श्रीलंका एवं बर्मा में जो है वातावरण में भिन्न भिन्न होने के कारण इन्हें वहां पर तीन उपजातियों में विभक्त कर दिया गया है, या तीन जो है उपजातियों के नाम से जो होता है वो जाना जाता है। यहां लिख सकते हैं, जैसे हमने क्या बताया कि कौवे का वैज्ञानिक नाम है ओर्वस स्प्लेंडस, लेकिन हमने बताया कि भारत बर्मा और श्रीलंका के वातावरण में भिन्नता के आधार पर इन्हें कौवे को जो है तीन उपजातियों में विभक्त कर दिया गया है, या तीन उपजातियों के नाम के द्वारा होता व्यक्त किया जाता है। तो जो है ये जैसे आते हैं भारतीय कौवा, भारतीय कौवा को क्या यहाँ ऐसे व्यक्त किया जाता है? कौन सा नाम है? भारतीय कौवा भी देख सकते हैं और आप भी देख सकते हैं। भारतीय कौवा कोरवस स्प्लेंडस। स्प्लेंडस ये भारतीय कौवा का नाम हो गया। दूसरा जो है बर्मी कौवा कोरवस स्प्लेंडस। स्प्लेंडस आइसोलेंस। इसी प्रकार तीसरा जो है श्रीलंकाई को श्रीलंकाई कौवा कोरवस स्प्लेंडस प्रोटीग्रेसस। इस प्रकार से भारत और श्रीलंका तथा बर्मा में इसे तीन उपजात के नाम से जो है जाना जाता है। भारतीय कौवे को जो है कोरवस तीन नाम पद्धति के अनुसार कोरवस स्प्लेंडस स्प्लेंडस, बर्मी कौवे को कोरवस स्प्लेंडस आइसोलेंस और श्रीलंका के कौवे को कोरवस स्प्लेंडस प्रोटीग्रेसस के नाम से जो होता जाना जाता है। फिर से आइए, त्रिनाम पद्धति क्या है ध्यान दीजिएगा। त्रिनाम पद्धति के आविष्कार के बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि एक ही जात के सदस्य जब अलग अलग वातावरण रहते हैं
तो उनमें जो होता कुसंतर या भिन्नता जो होती आ जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए जो है वैज्ञानिकों ने जो है जीव के जात को उपजात में विभक्त कर दिया तथा उपजात के नाम को जो जात के नाम के आगे जोड़ दिया, जिससे जो है जीवों का नाम जो है तीन नामों का हो गया। क्योंकि इस पद्धति में जो है जीवों के नाम को तीन नामों के द्वारा जो होता व्यक्त किया जाता है, इसलिए इसको नामकरण की त्रिनाम पद्धति कहते हैं। इस प्रकार त्रिनाम पद्धति जीवों के नामकरण की वो पद्धति है जिसके द्वारा जो है जीवों के नाम को या जिसमें जीवों के नाम को तीन नामों के द्वारा प्रदर्शित या व्यक्त किया जाता है। जैसे हमने बताया एग्जाम्पल में कि भारत कौवे का जो नाम है वो वैज्ञानिक नाम पूर्वस स्प्लेंडेंस है, लेकिन भारत श्रीलंका एवं बर्मा में के वातावरण में भिन्नता होने के कारण इसे तीन उपजातियों में विभक्त कर दिया गया है। जैसे भारतीय कौवे को जो है पूर्वस स्प्लेंडेंस एंथ्रेसम कहते हैं, बर्मी कौवे को जो पूर्वस स्प्लेंडेंस आइसोलेंस के नाम से जाना जाता है, और श्रीलंकाई कौवा को पूर्वस स्प्लेंडेंस प्राटिकस के नाम से जाना जाता है। तो छात्रों ये जो है आपके प्रथम यूनिट का जो है प्रथम पार्ट यहाँ पर समाप्त हुआ, और कल से द्वितीय पार्ट हम चालू करते हैं और हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके आगे जो है हम कल चर्चा करेंगे।